शिवराज सिंह चौहान ने राजनीति का जोकर बताया है। मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान और साम पित्रोदा के बयान पर पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता और ये पराजय के डर से ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। राजनीति के जोकर बन गए, मणिशंकर अय्यर हो, सैम पित्रोदा हो, संजय राउत हो, इनको कौन गंभीरता से लेता है। ये सब लोग पराजय के भय से ऐसे ऊटपटांग बयान दे रहे हैं कि जिनको जनता केवल मनोरंजन के रूप में लेती है। वहीं मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि उनके बयान से पार्टी असहमत है और बीजेपी उनके पुराने बयानों को पुनर्जीवित कर रही है। राष्ट्रीय कांग्रेस श्री मणिशंकर अय्यर की कुछ पुरानी टिप्पणियां जिनको आज भाजपा पुनर्जीवित कर रही है, उन टिप्पणियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को अलग मानती है और उनसे पूरी तरह से असहमत है। हम समझते हैं कि भाजपा क्यों इस तरह से पुरानी टिप्पणियों को पुनर्जीवित कर रही है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी की जो दैनिक गलतियां हैं प्रचार में और जो उनका डगमगाता प्रचार है, उससे भाजपा देश का ध्यान हटाना चाहती है। ये षड्यंत्र पूरा देश अच्छी तरह से समझता है। और अब बात बैतूल की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर रीपोलिंग हो रही है। 4 पोलिंग स्टेशन पर जमकर वोटिंग हो रही है। सुबह से अब तक 45% वोटिंग हो चुकी है। बता दें आपको कि ईवीएम जलने की वजह से 4 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर दोबारा से पोल करवाए जा रहे हैं। तो 7 तारीख को यहां पर पोलिंग हुई थी, लेकिन उसी दिन देर शाम में जिस बस में ईवीएम लेकर मतदान कर्मी जा रहे थे, उस बस में आग लग गई थी, जिसकी वजह से 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाई गई। और आज सुबह से ही यहां पर इन 4 पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 45% वोटिंग हो चुकी है। महिला मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या देख सकते हैं। 7 तारीख को किए थे, अब आज 10 तारीख को। हाँ, आपको उम्मीद थी कि 2 बारी मतदान करने मिल जाएगा? नहीं, इस बार जो नए युवा मतदाता थे, नए वाले, उन्होंने एक बार मतदान किया था, लेकिन परंतु उनको अभी दुर्घटना घटने के कारण हमारे यहाँ पुनः मतदान हो रहा है। इसमें उनको दोबारा मतदान करने का मौका मिला, दोबारा उनको लाया भी गया है, प्रचार प्रसार भी चल रहा है और कुछ जो गांव में अपने मर्जी से भी आके और खुलकर मतदान कर रहे हैं। बैतूल से ऋषु नायडू हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। ऋषु, क्या स्थिति है अभी मतदान को लेकर 4 पोलिंग स्टेशन पर? अभी दोपहर है, लगभग 55% से ज्यादा, 55% से ज्यादा यहाँ पर मतदान हो चुका है दोपहर 1 बजे तक, और अभी भी मतदान लगभग जारी है। धूप थोड़ी तेज होने की वजह से मतदान की गति धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन 12-1 बजे तक काफी सारे मतदाता यहाँ पर जो है वो पुनर्मतदान करके यहाँ से जा चुके हैं और अब 3 बजे के बाद जा चुके हैं और अब 3 बजे के बाद जो है बाकी मतदाताओं के आने की उम्मीद है। और काफी अच्छी तरीके से लोगों ने आकर पुनर्मतदान किया है। प्रशासन का भी ये कहना है कि इस तरह की उन्हें अपेक्षा नहीं थी कि पुनर्मतदान करने भी मतदाता इस यहाँ पर दोबारा इस तरह से आएंगे। हम आपको एक सबसे खास बात यहाँ जो दिखाते हैं, ये जो है महिला, इन्होंने अभी भी मतदान किया। आप अपना हाथ दिखाएंगे जो स्याही लगी है, देखिए ये बैतूल जिले में पहली बार, इतिहास में पहली बार ये दोनों फिंगर में जो है ये तर्जनी उंगली और ये मध्यमा उंगली दोनों में स्याही लगाई गई है। बैतूल के चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ है कि दोनों उंगलियों में ये स्याही लगी है, क्योंकि पहले 7 तारीख को मतदान हुआ था उसमें तर्जनी उंगली में स्याही लगाई गई थी और अब मध्यमा उंगली में आज दोबारा से जो है स्याही लगाई गई है। प्रशासन ये उम्मीद कर रहा है कि अगर इस तरह मतदान होता रहा। जी ऋषु, वाकई उम्मीद प्रशासन को भी नहीं थी, लेकिन मतदाताओं में उत्साह है और अच्छी बात है। ये लोकतंत्र की एक बहुत ही तस्वीर, बहुत सुंदर है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो बैतूल के इन 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग हो रही है और इसमें मतदाताओं के जोश में कोई कमी नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। बढ़ते आगे, बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां नोटा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एक तरफ कांग्रेस का नोटा प्रचार अभियान लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने नोटा के विरोध में राजवाड़ा के सामने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने जमकर नारे लगाए और कहा कि कांग्रेस का सिक्का निकला खोटा, क्यों बटन दबाए नोटा।
अब बीजेपी के प्रदर्शन के खिलाफ आज शाम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मौन जुलूस निकालेगी। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इंदौर से ही। मिथिलेश, यहां तो अब नोटा के लेकर लड़ाई जोरदार देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पिछले 35 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इंदौर में कोई लड़ाई जोरदार देखने को मिल रही है। इस बार लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस नहीं, बीजेपी और नोटा के बीच देखने को मिल रहा है। नोटा को लेकर जबरदस्त कांग्रेस अभियान चला रही है, एक के बाद एक नए नए तरीके से कांग्रेस अभियान नोटा के समर्थन में चला रही है। तो वही अब भारतीय जनता पार्टी भी नोटा के विरोध में मैदान पर उतर चुकी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इंदौर में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, बड़ा कैंपेनिंग चलाया जा रहा है कि नोटा को लोग अपना समर्थन न दे। आज एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला राजवाड़ा पे, और अलग अलग जहां पे बीजेपी प्रदर्शन भी कर रही है और लगातार ये बात बता रही है कि अगर नोटा पे आपने मतदान किया तो ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाला ये आपका निर्णय होगा, ये जो कदम होगा ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाला होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि अगर आपने नोटा पे बटन दबाया तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाला निर्णय होगा। तो बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त नोटा को लेकर आमने सामने है। बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया राजवाड़ा पे, आज शाम को दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल होंगे, इस तरीके से सूचना आ रही है। एक बड़ा कार्यक्रम आज शाम को है नोटा के समर्थन में, जिसमें दिग्विजय सिंह मौन जुलूस में शामिल होंगे। तो मतलब ये लोग जंजीर तो अजीब सी स्थिति हो गई। अक्षय कांति बम शिकायत कर रहे थे जब तक वो कांग्रेस में थे कि उनके लिए कोई नहीं आ रहा है, और यहाँ नोटा के लिए हर बड़ा दिग्गज कांग्रेस का पहुंच रहा है। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो वही इंदौर में अक्षय कांति बम के नामांकन पत्र के वापस लेने के बाद से प्रदेश की सियासत में नोटा नाम का मुद्दा छिड़ गया है। अब कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता को नोटा का चमत्कार करना चाहिए। जिनका मन उद्वेलित है, जो अपनी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख रहे हैं, उनके मन में तो कहीं ना कहीं नोटा का प्रभाव जरूर आ रहा है, और इस नोटा का चमत्कार एक बार जनता ने करना चाहिए। बड़वानी में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के दावों पर पलटवार किया है। उनकी माने तो चुनाव में बीजेपी 200 सीट से पार भी हो जाए तो गनीमत है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के बेल पर रहने के सीएम के बयान पर कहा कि झूठे केस में सजा हुई और जमानत पर है, कांग्रेसी किसी से डरते नहीं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।